तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग? आशा करता हूँ सभी ठीक होंगे। आई एम सुमित ठाकुर, योर इंग्लिश एजुकेटर, एंड आई एम गोइंग टू टीच यू अ लॉट ऑफ कॉन्सेप्ट्स टुडे इन विच यू विल बी हेल्प्ड एंड यू विल बी एबल टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस वेरी इजीली। तो दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं कुछ एग्जाम्स की और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस की, एंड दे आर नेमली SSC, CGL, CHSL, CPO, बैंक, MTS, रेलवेज, NDA, CUET, CLAT एंड मेनी अदर एग्जाम्स आर देयर जिनके कॉन्सेप्ट हम सीखने वाले हैं, और इस तरीके की वीडियोज आती रहेंगी। तो मेक श्योर आप चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो एक एक करके कॉन्सेप्ट को देखते हैं। तो देखो, सबसे पहले आप लोगों की स्क्रीन पे एक क्वेश्चन है जो मैंने रखा है, एंड दैट इज व्हाट दैट इज सिलेक्ट द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस, जिसमें मैंने आप लोगों को चार ऑप्शन दिए हैं ABCD। तो भाई, एक कॉन्सेप्ट तो आप लोगों को पता होगा, मैं लिखवा देता हूँ वो कॉन्सेप्ट, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और कई बार उसी पे बेस्ड गलतियां होती हैं, ठीक है। तो दोस्तों, वो कॉन्सेप्ट ये है कि अगर हमारा कभी भी जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर होता है, SS मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, तो उसके साथ हमेशा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल किया जाता है। उसी जगह पे अगर हमारा PS, PS मतलब प्लूरल सब्जेक्ट होता है, तो उसके साथ प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का या फिर प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये चीज हमें हमेशा ध्यान रखनी है। ये हमारा अभी फिलहाल के लिए कॉन्सेप्ट नंबर वन है जो हमने अभी सीखा है, ठीक है। तो अब भाई देखते हैं वापस क्वेश्चन को, ठीक है। क्वेश्चन देखो, द पार्टिसिपेंट्स ऑफ द कॉम्पिटिशन, जब भी इस तरीके से कोई भी फ्रेज लिखा हो, फ्रेज क्या होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड जिनका कोई कंप्लीट मीनिंग नहीं होता, जैसे कि ये ग्रुप ऑफ वर्ड जिनका कोई कंप्लीट मीनिंग नहीं है, अगर हम इन्हें साइड में रख देते हैं, जैसे अगर मैं सिर्फ बोलता हूँ द पार्टिसिपेंट्स ऑफ द कॉम्पिटिशन, सो इट डजेंट हैव अ स्पेसिफिक मीनिंग, ठीक है। तो इसमें क्या है कि जो पहला वाला पार्ट है, ऑफ से पहले वाला, ये हमारा मेन प्राइमरी सब्जेक्ट है, तो यही हमारा मेन सब्जेक्ट है, इसके बेसिस पे हेल्पिंग वर्ब आनी चाहिए। तो हेल्पिंग वर्ब आ रही है आर, जो इसके हिसाब से बिल्कुल ठीक है क्योंकि पार्टिसिपेंट्स प्लूरल है, आर भी प्लूरल है। लेकिन यहां आप देखो, यहां दिक्कत यह है कि पार्टिसिपेंट्स एक नाउन है जो कि एक प्लूरल नाउन है, तो प्लूरल नाउन के साथ जो एडजेक्टिव या आर्टिकल आएगा वो भी प्लूरल होगा, लेकिन यहां आ रहा है सिंगुलर, तो यहां पे ग्रामर में दिक्कत है। दूसरा देखो, पार्टिसिपेंट्स आ रहा है प्लूरल और हेल्पिंग वर्ब आ रही हैज जो कि है सिंगुलर, तो ये भी गलत हो गया। यहां पे देखो, पार्टिसिपेंट्स आ रहा है सब्जेक्ट प्लूरल और उसके साथ हेल्पिंग वर्ब आ रही है इज जो कि है सिंगुलर, तो यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत है। तो मतलब ये तीनों आंसर ग्रामेटिकली गलत है, हमारा ग्रामेटिकली करेक्ट आंसर है ए, तो इसका मतलब इसका आंसर हमारा ए। समझ में आ गई बात? अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर टू को देखते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर टू कहता है सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन पैसिव वॉइस, मतलब हमें इस सेंटेंस का ही वॉन्ट रिसीव एनी बेटर चॉइस देन दिस फ्रॉम एनीवेयर, इसका पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। तो दोस्तों देखो, एक बात ध्यान रखना, ये मैं समझा देता हूं कि जब भी आप पैसिव वॉइस की बात करते हो तो पैसिव वॉइस होता क्या है, मैं शॉर्टली समझा देता हूं। पैसिव वॉइस ये होता है कि भाई देखो, कोई भी सेंटेंस है वो ऐसे चलता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वो जो काम को कर रहा है, वर्ब वो जो काम हो रहा है, ऑब्जेक्ट वो जिसपे एक्शन परफॉर्म हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने बोला आई टीच यू, तो आई टीच यू में सब्जेक्ट है आई, क्योंकि काम मैं कर रहा हूँ, पढ़ाने का काम कर रहा हूँ, तो टीच वर्ब है और एक्शन परफॉर्म हो रहा है तुम्हारे पे, तो तुम हो गए ऑब्जेक्ट। तो ये होता है एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस वो होता है जब सेंटेंस में सब्जेक्ट आगे आता है। पैसिव वॉइस वो होता है जब सब्जेक्ट आगे नहीं आता। जैसे मैं आई टीच यू को इस तरीके से लिख दूं कि यू आर टॉट बाय मी, क्या बोलूंगा मैं, यू आर टॉट बाय मी, तो यहां आप देखो, यहाँ पे यू ऑब्जेक्ट है जो आगे आता है। मतलब पैसिव वॉइस इज बेसिकली अ सिचुएशन जहां पे सब्जेक्ट आगे की तरफ नहीं आएगा, ठीक है। अच्छा, अगली चीज ये कि इसके कुछ रूल्स होते हैं, वो रूल्स हमें ध्यान में रखने होते हैं। जैसे कि एक बेसिक सा रूल इसका ये कहता है कि भाई अगर कभी भी विल नॉट आ रहा है सेंटेंस में, तो विल नॉट का जो चेंज है वो पैसिव वॉइस में हम विल नॉट बी में करते हैं। ये ध्यान रखना, विल नॉट अगर आ रहा है तो विल नॉट का चेंज विल नॉट प्लस बी में करते हैं। अब ये विल नॉट जो है इसको शॉर्ट फॉर्म में हम वॉन्ट भी कह सकते हैं, तो वॉन्ट का चेंज एक तरीके से किसमें हो जाएगा, वॉन्ट बी में हो जाएगा। किसमें हो जाएगा, वॉन्ट बी में हो जाएगा, ठीक है भाई। विल नॉट का विल नॉट और साथ में बी जुड़ जाएगा पैसिव वॉइस में। तो इसी के हिसाब से अगर हम चलें, इसके हिसाब से अगर हम चलें, तो इस सेंटेंस को देखो, यहां पे आ रहा है वॉन्ट, तो मतलब जब मैं इसे पैसिव में चेंज करूंगा, कहने का मतलब जब मैं इसे पैसिव में दोस्तों चेंज करूंगा, तो पैसिव में बेसिकली क्या होगा, पैसिव में ये विल नॉट जो है इसका चेंज वॉन्ट बी में हो जाएगा, विल नॉट बी में हो जाएगा। तो इन चारों में से ऐसा ऑप्शन देखो जहां वॉन्ट बी आ रहा है। देखो यहां वॉन्ट बी आ रहा है, ठीक है भाई, यहां वॉन्ट हैव आ रहा है ये गलत हो गया, यहां वुडेंट हैव आ रहा है ये भी गलत हो गया, यहां शुडेंट बी आ रहा है ये भी गलत हो गया। मतलब इसके हिसाब से अगेन हमारा करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, ए होना चाहिए। समझ में आ गई बात?
चलो भाई अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, जो कि है क्वेश्चन नंबर थ्री। क्वेश्चन नंबर थ्री दोस्तों कहता है सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। सेम तरीके का ये देखो, कंपनीज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर विल अनाउंस द फाइनेंशियल रिजल्ट्स एट द एनुअल मीटिंग टुमारो। बच्चों यहां पे अगेन हम हेल्पिंग वर्ब को पकड़ेंगे, विल आ रहा है। तो भाई हेल्पिंग वर्ब को हमने पकड़ लिया, और मैंने अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों को समझाया था कि भाई विल नॉट का चेंज विल नॉट बी में होगा, तो इसका मतलब अगर विल आ रहा है तो विल का चेंज हम किसमें करेंगे, विल बी में करेंगे। सिंपल सी बात है। तो उसके हिसाब से यहां हमें ऐसे चारों ऑप्शन में से ऐसी सिचुएशन जोड़नी है जहां पे विल भी आ रहा हो। तो यहां देखो, यहां तो आ रहा है विल है, तो ये तो नहीं हो सकता। अगले में आ रहा है आर बींग, ये भी नहीं हो सकता। यहां पे देखो तो कंपनी इज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अनाउंस द फाइनेंशियल, ये भी नहीं हो सकता। यहां आ रहा है विल बी, तो ये करेक्ट आंसर होगा आपका। इट मींस डी इज द करेक्ट आंसर है। तो आई होप दोस्तों आपको मजा आ रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। इंग्लिश विद सुमित सर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें इसी तरीके की वीडियोस के लिए। चौथे क्वेश्चन पे आ जाते हैं दोस्तों। लिखा है द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन स्प्लिट इनटू फोर सेगमेंट, मतलब चार भागों में एक सेंटेंस को विभाजित कर दिया गया है। आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन्स एन एरर, आपको गलती ढूंढना है। नीतू देखो, गलती तो सामने ही मिल गई। सिंगुलर सब्जेक्ट के हिसाब से सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ हैव दे रखा है जो कि प्लूरल हेल्पिंग वर्ब होती है। अगर आपको नहीं पता सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, बेसिक से आपको सारी बातें जाननी है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन जरूर करना, आई विल टीच यू, डोंट वरी। तो यहाँ पे गलती दोस्तों ए वाले पार्ट में ही निकल गई है, आगे तो मेरे को नहीं लगता कि कोई गलती होगी। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, कोई नया कॉन्सेप्ट आएगा तो लिखवा दूंगा। अगला है दोस्तों फिफ्थ क्वेश्चन, दैट इज सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन एक्टिव वॉइस, मतलब ये जो सेंटेंस है वॉज द बैग पैक्ड बाय मैरी, इसका एक्टिव वॉइस ढूंढना है। अभी पहले हमने क्या करा था, हमने एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट किया था, अब हम क्या कर रहे हैं, हम पैसिव से एक्टिव में कन्वर्ट कर रहे हैं। हमने क्या जाना था, एक्टिव में सब्जेक्ट आगे आता है लेकिन पैसिव में सब्जेक्ट आगे नहीं आता। ठीक है, यहाँ क्या आ रहा है, वॉज वर आ रहा है। दोस्तों इस बात को ध्यान रखना है, ये कॉन्सेप्ट भी मैं लिखवा देता हूँ, ध्यान रखना। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्या है, लेट मी शो यू दोस्तों। कॉन्सेप्ट ये है कि कभी भी अगर एक्टिव वॉइस में, ध्यान रखना, कभी भी एक्टिव वॉइस में वर्ब की सेकेंड फॉर्म आ रही है या डिड आ रहा है, तो इसका चेंज जब हम पैसिव वॉइस में करते हैं, तो पैसिव वॉइस में सेकेंड फॉर्म का चेंज हम वॉज वर में करते हैं, या डिड का चेंज डिड नॉट आ रहा होता है तो डिड नॉट का चेंज हम वॉज या वर प्लस नॉट में कर देते हैं। तो इस हिसाब से चला जाए तो ये वाला जो क्वेश्चन है, जो अभी आपने देखा इस क्वेश्चन में, आप देखो यहां पे लिखा है वॉज द बैग पैक बाय मैरी, मतलब अगर पैसिव में वॉज आ रहा है तो एक्टिव में सेकेंड फॉर्म आएगी, मतलब इसमें से आपको ऐसे सेंटेंस को चूज करना होगा जहां सेकेंड फॉर्म आ रही हो या डिड आ रहा हो। तो वॉज मैरी पैक द बैग, ये गलत है। अच्छा, एक और तरीका है पैसिव वॉइस को पता लगाने का, कि भाई पैसिव वॉइस जो होता है उसमें हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है यहाँ पे, ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमारी सेकेंड फॉर्म आनी है। इस बैरी पैकिंग भी नहीं आ सकता, सेकेंड फॉर्म आती है यहाँ पे, सेकेंड फॉर्म वॉज वर्ब में होगा तो वॉज वर्ब वापस सेकेंड फॉर्म में होगा, तो पैकिंग भी नहीं हो सकता। तो ए भी गलत है, बी भी गलत है। डिड मैरी पैक द बैग, तो ये हो सकता है क्योंकि डिड आ रहा है, डू नहीं हो सकता है, तो यहाँ करेक्ट आंसर होगा दोस्तों सी। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगला देखो, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन पैसिव वॉइस, सेम तरीके का है। देखो बस यहाँ पे पैसिव से एक्टिव था, अब यहाँ हमें वापस एक्टिव से पैसिव करना है। हु स्टोल माय टिकट्स, अच्छा एक और कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ आप लोगों को, लिखवा देता हूँ दोस्तों, ठीक है, मजा आ जाएगा आपको। वो ये कि अगर एक्टिव वॉइस में कहीं पे भी हु आपको दिखाई दे, क्या दिखाई, हु दिखाई दे, तो पैसिव में हु का चेंज हमेशा किसमें होता है, बाय हुम में होता है, किसमें होता है, बाय हुम में होता है। तो इसके हिसाब से अगर हम चलते हैं, इसके हिसाब से अगर हम चलते हैं, तो यहां अगर हु आ रहा है तो मतलब यहाँ इन चारों ऑप्शन में से पैसिव में ऐसा ऑप्शन होना चाहिए जहां बाय होम आएगा। देखो यहाँ हु आ रहा है, ये नहीं हो सकता, यहाँ हु आ रहा है, ये भी नहीं हो सकता, यहाँ बाय होम आ रहा है और यहाँ पे भी बाय होम आ रहा है। माई टिकट्स, लेकिन टिकट्स प्लूरल है, प्लूरल के साथ तो वॉज नहीं आ सकता, तो ये गलत हो गया क्योंकि टिकट्स प्लूरल सब्जेक्ट है और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल हेल्पिंग वर्ब आएगी। तो यहाँ पे सही होगा बाय होम वर माई टिकट स्टोलन, तो यहाँ करेक्ट आंसर होगा दोस्तों डी। ठीक है, सेवंथ वाले क्वेश्चन पे आ जाते हैं दोस्तों। सेवंथ क्वेश्चन कह रहा है कि द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, सॉरी डिवाइडेड इनटू पार्ट्स, वन ऑफ देम मे कंटेन एन एरर, सेम एरर स्पॉटिंग का क्वेश्चन है। सिलेक्ट द पार्ट दैट कंटेन्स द एरर फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस, तो इफ यू डोंट फाइंड एनी एरर मार्क नो एरर। ठीक है, दर्शन विश्ड ही हैडेंट वैन, बच्चों ये सामने समझ आ गया, हैडेंट के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है, ये कॉन्सेप्ट भी लिख लेते हैं। चलो कॉन्सेप्ट दोस्तों क्या है, कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अगर कभी भी सेंटेंस में हैड आ रहा है और हैड के साथ वर्ब लगानी है, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल हम करते हैं, चाहे हैड आ रहा हो,
चाहे हैड नॉट आ रहा हो, दोनों के साथ ही वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है। तो उसके हिसाब से यहां पे हैडन्ट के साथ वेंट तो आ नहीं सकता, मतलब गलती जो है वो बी वाले पार्ट के अंदर है। तो ये कॉन्सेप्ट साथ के साथ लिखते रहना है। अगर इसी तरीके की और वीडियोस चाहिए तो मेक श्योर आप मुझे जरूर कमेंट सेक्शन के अंदर बताएं, ठीक है। एट्थ क्वेश्चन पे दोस्तों आ जाते हैं। सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। तो लिखा है द लिटिल बॉय कॉल्ड अप हिज बेस्ट फ्रेंड ऑन हिज बर्थडे। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि अगर कभी भी वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही हो, जैसे कॉल्ड सेकंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म भी होती है बट ये सेकंड है, क्यों? क्योंकि सेकंड फॉर्म डायरेक्ट सब्जेक्ट के बाद आ जाती है, यहाँ कोई हेल्पिंग वर्ब तो गिवन नहीं है। थर्ड फॉर्म तो हैज हैव हैड इन सबके साथ आती है, तो थर्ड फॉर्म तो ये हो नहीं सकती, ठीक है। तो लिटिल बॉय कॉल्ड, सेकंड फॉर्म का चेंज हम किसमें करते हैं? वॉज या वर में करते हैं। तो मतलब इन चारों ऑप्शन में से ऐसे को चूज करेंगे जहां वॉज वर आ रहा हो। देखो इसमें नहीं आ रहा, इज आ रहा है, इसमें भी नहीं आ रहा, हैज बीन आ रहा है, इसमें आ रहा है बट इसमें वॉज बीइंग आ रहा है, तो ये भी गलत हो गया। बचा क्या? डी। तो इसका आंसर होगा डी, ठीक है। नाइन्थ पे आ जाते हैं। नाइन्थ कहता है दोस्तों, डिस्क्राइब हाउ यू विल टेल योर पेरेंट्स दैट महेश एंड हिज टीम वर हेल्पिंग द फायर एंड रेस्क्यू टीम इन पैसिव वॉइस। कि भाई आप अपने पेरेंट्स को कैसे बताओगे कि महेश और उसके दोस्तों ने हेल्प करी है रेस्क्यू टीम की, फायर रेस्क्यू टीम की, मतलब जो फायर में एक्सीडेंट में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो यहां लिखा है महेश एंड हिज टीम्स वर बीन हेल्पिंग, तो ये हो नहीं सकता क्योंकि पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, मैंने आपको बताया था। तो ये तो आईएनजी फॉर्म है, ये नहीं हो सकता, ये फर्स्ट फॉर्म है, ये भी नहीं हो सकता। ये हेल्प्ड है, ये हो सकता है, ये हेल्प्ड है, ये भी हो सकता है। देखो अब द फायर एंड रेस्क्यू टीम हेल्प्ड, नहीं बेटा, द फायर एंड रेस्क्यू टीम वॉज बींग हेल्प्ड बाय महेश एंड हिज टीम, ठीक है। अब यहां पे बच्चों वॉज बींग हेल्प्ड हो सकता है, क्यों हो सकता है? क्योंकि कोई भी पैसिव वॉइस में ऐसी सिचुएशन नहीं होती जहां वर्ब की सेकेंड फॉर्म आए। देखो ये हेल्प्ड यहाँ सेकेंड फॉर्म की तरह यूज हो रहा है, ये दोनों तो हो ही नहीं सकते, हेल्पिंग और हेल्प आ रहा है, ये सेकंड फॉर्म की तरह कैसे कह सकते हैं? क्योंकि इससे पहले कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आ रही है, तो वॉज बींग हेल्प्ड ही पैसिव वॉइस में है। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा? डी। और टेंथ में देखो, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। तो डिड यू नॉट बाय द रिटर्न टेक्स्ट टू देहरादून, ठीक है। तो डिड का चेंज हम किसमें करते हैं दोस्तों? मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि डिड का चेंज हम वॉज वर नॉट में करते हैं। किसमें करते हैं? वॉज वर नॉट में करते हैं। तो जहां पे भी वॉज वर आ रहा है, यहां तो नहीं आ रहा, तो बाकी बचा ये वाला और ये वाला, ऑप्शन गलत दिए हैं। ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी ऑप्शन है। तो यहाँ पे देखते हैं, डिड यू नॉट बाय द रिटर्न टिकट्स टू देहरादून। तो वर द रिटर्न टिकट्स टू देहरादून नॉट बॉट बाय यू, वॉज द रिटर्न टिकट्स। बच्चों यहाँ रिटर्न टिकट सब्जेक्ट प्लूरल है, इसके साथ में हम क्या लगा रहे हैं? वॉज, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। वर द रिटर्न टिकट्स टू देहरादून नॉट बींग बॉट बाय यू, ठीक है। तो भाई डिड का चेंज हम वॉज वर में करते हैं बट बींग तो नहीं आता, तो उसके हिसाब से हमारा आंसर क्या होना चाहिए? ए वाला आंसर हमारा होना चाहिए, वर द रिटर्न टिकट्स टू देहरादून नॉट बॉट बाय यू, ठीक है। तो आई होप दोस्तों आपको ये 10 के 10 क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, किसी भी तरीके की दिक्कत परेशानी नहीं होगी। अगर आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत लगती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन करके बता सकते हैं। दोस्तों मेरा नाम सुमित ठाकुर है, और किसी भी प्रकार के डाउट के लिए आप हमारे कॉम्पिटिटिव इंग्लिश टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके अंदर आप एनी टाइम मेरे से डाउट पूछ सकते हैं। आई एम ऑलवेज अवेलेबल देयर फॉर यू। तो दोस्तों मिलेंगे अपने एक और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, लॉट्स ऑफ लव एंड सपोर्ट टू ईच एंड एवरीबॉडी ऑफ यू। आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, बाय बाय, और बेल आइकन को जरूर हिट कर देना ताकि हमारी लेटेस्ट नोटिफिकेशन लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू सो मच वंस अगेन।